नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पवित्र समय चल रहा है और ऐसे पवित्र समय में अगर एकादशी जैसी पवित्र तिथि आ जाए तो आपको पितरों की, देवी देवताओं की विशेष कृपा मिल सकती है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में। इसका महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम आज बात कर रहे हैं पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में, हिंदू परंपरा में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए, शरीर और मन को बेहतर करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रतों में और तमाम उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है, जो महीने में दो बार पड़ती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। ज्यादातर एकादशी में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। आश्विन महीने में, आश्विन कृष्ण पक्ष में, जिसमें पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें एकादशी के उपवास का विशेष महत्व है और ये उपवास रखने से मन और शरीर दोनों संतुलित हो जाते हैं। और पितृ पक्ष के समय में एकादशी के उपवास से गंभीर रोगों से रक्षा होती है। अपने पापों के नाश के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए और पितरों की शांति के लिए आश्विन महीने की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। आप आश्विन महीने की इंदिरा एकादशी पर जब उपवास रखते हैं तो इससे अपने पापों का नाश तो होता ही है, पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस बार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है तो बड़ा सुंदर मौका है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और बड़ा सुंदर मौका है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।